Nein, die kann ich gar nicht noch Jede Gold war. I'm going to go to the house. बन नहीं सकते, ब्रिटिश काल के ये सिक्के होते हैं और हिंदुस्तान में चार लोग ही सिर्फ इसको बेचने का लाइसेंस रखते हैं, तो ये टोटली इलीगल है, गलत है और हमारे व्यापार के लिए एक अभिशाप है। इससे ग्राहकों का विश्वास हमारे बाजार के प्रति गलत जाता है और इससे हमारी सेल इफेक्ट होती है। तो हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे सभी दुकानदारों से कि वो सही तरीके से वो सिक्के बेचें। अगर उनको कोई कॉइन बेचना भी है तो वो किसी भगवान के सिक्के बनाकर या कोई करेंसी के सिक्के, कम से कम वो फेक करेंसी के सिक्के नहीं बनाए। करेंसी के सिक्के बनाना ही वैसे गलती है, ऊपर से ये करेंसी के सिक्के बनाए भी था इन्होंने, घी लटका था क्या? गलती तो इन्होंने ये कर दी कि ये सिक्के बना दिए। चलो सिक्के बना भी दिए हैं तो ये स्टर्लिंग चांदी 92.5 की होती है, अगर सिल्वर में भी बनाए
तो भी वो जायज हो जाते हैं। तो इन्होंने एक 420 की धारा अपने ऊपर और लगवा दी जो कि बिल्कुल गलत है। जो करदमपुरी साजरा में रहते हैं उनकी जो फैक्ट्री है वो अपनी फैक्ट्री पे मजदूरों को जो है ईद पे गिफ्ट देने के लिए चांदी के सिक्कों की उसकी ज़रूरत थी, जो चांदनी चौक में हमारे एरिया में जो है यहाँ कोतवाली के सुषमा ज्वेलर्स की शॉप पर आए थे 23 तारीख को, और यहाँ से उन्होंने जो 700 रुपये पर सिक्के के हिसाब से 21 सिक्के जो है यहाँ से परचेज किए थे, 30 सिक्के परचेज किए थे 700 रुपये प्रति सिक्का 21,000 रुपये के। जब वो सिक्के लेकर अपने घर पे गया तो नेक्स्ट डे उसने देखा कि उन सिक्कों में जो चांदी वाली चमक है वो तो एक रात गुजरने के बाद ही वो बिल्कुल धूमिल पड़ गई है। उसको उस पर शक हुआ, उसने एक अच्छे खासे जो है सुनार से वहाँ उनको चेक करा तो सुनार ने बताया ये तो सब गिल्लेट के सिक्के हैं जो मात्र जो है 7 रुपये का आता है। तो इस बात से उसको काफ़ी परेशानी हुई कि भाई 7 रुपये का सिक्का मात्र जो है 700 रुपये में जो उसे देकर ठगा गया है। तो वो कंप्लेंट लेके जो है कल शाम को हमारे यहाँ पुलिस स्टेशन कोतवाली में पहुँचा, उसकी कंप्लेंट पर तुरंत कार्रवाई करके उसके FIR रजिस्टर करके और उसके साथ जाके उस दुकान को आइडेंटिफाई किया गया ज्वेलर की, सुषमा ज्वेलर की शॉप को, और वहाँ से रेट पे आगे और उसी तरह के नकली सिक्के, ब्रिटिश नकली सिक्के तकरीबन 5400 जिनका वेट करने पर तकरीबन 52.5 kg हुआ है वो सिक्के और बरामद हुए हैं। उस पर एक प्रॉपर केस जो है चीटिंग का रजिस्टर किया गया है और उसमें आगे फर्दर जो है ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है इन्वेस्टिगेशन में कि ये सिक्के बनाए कहाँ जाते हैं, उस पर आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। गिरफ्तारी इसमें नहीं हुई है, गिरफ्तारी जल्दी संभव है और आगे फर्दर जो है वो जो वर्कशॉप भी जो है आइडेंटिफाई की जा रही है उस पर भी काम हो रहा है कि ये जहाँ बनाए जाते हैं।